सो हेलो गाइस, दिस इज ज्योति प्रकाश एंड वेलकम टू माय चैनल द जेएस ब्लॉग्स। कुछ देर के बाद हमारे हाथों में होगी हमारी रानी। सो गाइस, अभी कुछ दोस्तों को वो बाइक का वो वीडियो कॉल में देख रहे हैं बाइक। सो गाइस, फाइनली हम गाड़ी ले चुके हैं। सो बेसिकली ये मेरा पहला ब्लॉग है और मुझे आज पता चला कि एक ब्लॉग करना कितना मुश्किल होता है, एक सूट के पीछे कितना हार्डवर्क लगता है मुझे आज पता चला। सो गाइस, आज का ब्लॉग ना बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों होने वाला है, क्यों ना, आज मैं अपना लाइफ का पहला स्पोर्ट्स बाइक लेने वाला हूँ। तो मुझे आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्यों ना, मैं अपना लाइफ का पहला बाइक लेने वाला हूँ। तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई है मेरा अभी, तो मैं बहुत खुश हूँ। सो अभी टाइम बजा है, दिखा रहा हूँ आपको, 11:55 देखते हैं आप। सो बाइक के शोरूम वाले हमें 5 बजे आने के लिए बोले हैं और बोले कि आप 5 बजे आके अपना बाइक ले सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि 4 बजे से घर से निकल जाएंगे, वहीं से सूट कंटिन्यू कर करके जाएंगे। तो मैं कौन सा बाइक लेने वाला हूँ आपको वीडियो के आगे तो पता ही चल जाएगा। तो बने रहे वीडियो में, तो मिलते हैं 4 बजे, बाय। हेलो गाइस, आप जस्ट अभी टाइम देखिए कितना बजा है, 7 बजने के लिए और 5 मिनट बाकी है। मतलब हम 4 बजे से बैठे हैं और अभी उनका 20 मिनट पहले उनका कॉल आता है और बोलते हैं कि सर अभी आप आ जाइए और गाड़ी लीजिए, आपका गाड़ी पर रेडी है। एक्चुअली लेट इसलिए हुआ क्योंकि ना कुछ नंबर प्लेटिंग का इशू था, नंबर प्लेट कुछ लग रहा था तो उनका लेट हो रहा था। तो हम अब पूरा रेडी हैं, तो चलता। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं, रास्ते में जा रहे हैं अभी शोरूम की तरफ और अभी बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ मैं, मतलब खुशी का और ठिकाना नहीं है। तो बने रहे वीडियो में। सो गाइस, फाइनली हम यामा शोरूम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यामा शोरूम में हम आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं गाड़ी को लेने। मेरे साथ अभी भैया और मम्मी आए हैं, तो अभी थोड़ा सा कुछ पेपर वर्क बाकी है, तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो गाइस अभी वो निकाल रहे हैं बाइक को, तो बस कुछ ही देर गाइस, बस कुछ देर के बाद हमारे हाथों में होगी हमारी रानी, बस हमारे हाथों में। सो गाइस, अभी कुछ दोस्तों को वो बाइक का वो वीडियो कॉल में देख रहे हैं बाइक। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की ड्रेस में है वो हमारी मनसुनी है और यहाँ पे जो राइट साइड में है वो अपना रोनल भैया है। तो ये अभी भुवनेश्वर में है, तो भुवनेश्वर जाते ही इनको मिलेंगे श्योर। सो गाइस, अगर आप बालेश्वर में हैं और आपको यामा का कुछ प्रोडक्ट लेना है तो आप आ सकते हैं यामा बालेश्वर को, जो पुलिस लाइन के सीधा में ही गिरता है। तो आप अगर कुछ गाड़ी अगर लेंगे तो अब वो आपको 1 लीटर पेट्रोल देंगे भाई, समझ रहे हो, 1 लीटर मस्त है भाई। तो ठीक है, अगर आपको खरीदना है तो आप यामा बालेश्वर में आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला साई आनंद ऑटोमोबाइल लिमिटेड, तो आप यहाँ से कोई भी यामा गाड़ी ले सकते हैं। जो गाइस अभी कुछ फोटोशूट होगा, आप देख सकते हैं यामा का पोर्शन पीछे में वो कुछ लगा दिया है, वो बैनर टाइप, तो यहाँ पे अपना फोटोशूट वगैरह होगा।
सो गाइस फाइनली हम गाड़ी ले चुके हैं, तो अभी मैं इसको लेके पेट्रोल पंप जाऊंगा। तो अभी एक्चुअली मैं अपना गोप्रो का माउंट ना ऐसी जगह में हुए हैं जिससे हम आगे वाला शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे हम बाद में कर लेंगे कभी, तो ठीक है। The next day. So guys, अभी हम जा रहे हैं गाड़ी का पूजा करने के लिए, तो आप बने रहे वीडियो में और देखते रहिए। तो गाइस अभी गाड़ी हम निकाल रहे हैं। ओह माय गॉड। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं और भैया चला रहे गाड़ी और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बन रहे वीडियो में। मतलब अभी जब पीछे बैठे मुझे लग रहा है मैं अभी कहीं पहाड़ में बैठा हूँ। देखिए ऊपर बैठा हूँ, मैं लग रहा है कहीं पहाड़ में बैठा हूँ लिटरली। सो गाइस अभी हम मंदिर पहुँच चुके हैं, पूजा वगैरह करेंगे इधर। आई एक्साइटेड है पूरा हम लोग का ब्राउन मुंडे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सॉरी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।